नमस्कार, स्वागत है आपका दहशत में। मैं कुलदीप कुमार। खबर गुजरात के सूरत से है। यहाँ पर 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पहले बच्ची को किसी ने अपनी हवस का शिकार बनाया, इसके बाद उसको झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस को किसी ने खबर दी कि एक बच्ची झाड़ियों में खून से लथपथ पड़ी है। पुलिस ने पहुंचकर बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया और जांच में जुट गई। पुलिस की जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने बताया है कि बच्ची का गैंगरेप हुआ था और ये गैंगरेप 4 नाबालिगों ने किया है, जिनकी उम्र 10 से 14 साल है। ये चारों आरोपी बच्चे पोर्न देखने के आदी थे। इनमें से एक 14 साल के बच्चे के पास उसके मामा का मोबाइल फोन रहता था, जिसमें ये चारों पोर्न देखते थे। बताया जा रहा है चारों आरोपी बच्चों ने वारदात करने से पहले पोर्न वीडियो देखा था। चारों आरोपी बच्चे बच्ची को चॉकलेट खिलाने का बहाना देकर झाड़ियों में ले गए और उसके साथ दरिंदगी की। दरिंदगी करने के बाद वो वहां से भाग गए। खून से लथपथ बच्ची झाड़ियों में पड़ी रही। जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया। बच्ची का इलाज चल रहा है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में काफी चोटें आई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान उन्हें उस बच्चे से हुई जो उसे घर छोड़ने के लिए गया था। बच्चे से सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने सारा सच उगल दिया और वारदात में शामिल सभी लोगों का नाम बता दिया। बच्ची से गैंगरेप करने के मामले में चारों आरोपी बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराया गया और रेप की पुष्टि होने के बाद उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। सनसनीखेज खबरों के लिए बने रहिए NBC हिंदी के साथ। सब्सक्राइब करें NBC हिंदी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।